सैफ अली खान ने आखिरकार कंगना रेनॉट से माफ़ी मांग ली है। सैफ ने मैसेज के जरिए कंगना से माफ़ी मांगी है। ये पूरा मामला शुरू हुआ आइफा अवार्ड्स के स्टेज पर, जहां सैफ अली खान, करण जौहर और वरुण धवन ने आइफा के स्टेज पर कंगना का मजाक उड़ाया था। करण और सैफ ने इस शो को होस्ट किया था। दरअसल आइफा अवार्ड्स में जब वरुण धवन स्टेज पर बेस्ट एक्टर कॉमिक रोल का अवार्ड लेने के लिए पहुंचे, तभी सैफ अली खान ने कुछ कमेंट किया। सैफ ने नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद पर मजाक किया। उन्होंने वरुण से कहा कि आज तुम जो भी हो सिर्फ अपने पिता की वजह से हो। इस पर वरुण धवन ने सैफ को जवाब दिया और कहा, आप जो भी हैं अपनी माँ शर्मिला टैगोर की वजह से हैं। इसी मौके पर करण जौहर ने भी बीच में टांग अड़ाते हुए कहा कि वो इस इंडस्ट्री में अपने पिता की बदौलत हैं। उसके बाद तीनों ने जोर से कहा, नेपोटिज्म रॉक्स। सैफ और वरुण ने करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम का गाना गाते हुए कहा, बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, जिस पर करण जौहर ने धड़ल्ले से कहा, कंगना ना ही बोले तो अच्छा है। हालांकि बाद में मामला बढ़ने पर सैफ ने कहा कि नेपोटिज्म मामले पर हद से ज़्यादा बातचीत हो चुकी है, इसलिए नेपोटिज्म में उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और वो कंगना रेनॉट की सोच से इत्तेफाक रखते हैं। अब सैफ अली खान ने माफ़ी मांग ली है और वरुण धवन ने भी ट्वीट के जरिए माफ़ी मांगी है। उम्मीद तो यही है कि विवाद अब यहीं थम जाएगा। अखिल, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।